मेरे गांव में मेरे घर से सनसेट का सीन बहुत ही बेस्ट दिख रहा है। हेलो गाइस, वी आर बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है राहुल, नाम तो सुना होगा। मैं मेरे गांव में हूँ, दिवाली के टाइम पर आया हूँ। वैकेशन चल रहा है तो दिवाली के टाइम पर मैं घर पर था, तो मेरे फैमिली वाले मुझे बोल रहे कि यहाँ आसपास में कहीं घूमने जाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से एक अच्छा सा प्लेस है वहीं पर चलते, जिसका नाम है अरणज। तो हम फुल फैमिली के साथ जा रहे हैं अरणज घूमने के लिए। एक अच्छा सा मंदिर है, तो वहीं पर हम जाएंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का नाम है कस्बा। देख लेना गूगल पर जाके। Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. On the way में ये भाई मुझसे पूछ रहा था एड्रेस, तो मैंने उनको बता दिया। Wake up. Today's gonna be a good. रास्ते में हम लोगों को एक फैक्ट्री दिख गई। मैं भी यहाँ पर आसपास के लोग काम करने के लिए आते होंगे, मतलब जॉब करने के लिए आते होंगे। फाइनली हम लोगों का डेस्टिनेशन आ गया है। यहाँ पर बुढ़ भवानी माँ का मंदिर है, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी मैंने आपको जो बड़ा सा गेट दिखा है, यहीं से अंदर जाने के लिए भी हमको एक्टिवा लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। मैंने मेरी एक्सेस को पार्क कर लिया और फिर मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर। ये रहा मेन गेट। आप लोग इंडिया के कोई भी मंदिर में फेस्टिवल के टाइम पर जाओगे तो आपको वहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी, तो हमको भी यहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखने को मिली क्योंकि हम लोग दिवाली के टाइम पर यहाँ पर घूमने आए थे। जब आप लोग इंडिया के किसी भी मंदिर में घूमने जाओगे तो इन सभी मंदिरों में एक चीज़ तो कॉमन दिखेगी, वो है इन मंदिरों की कलाकृति। इन दीवारों में जो भी कलाकृति, ये सभी कलाकृति एक बेहतरीन मंदिर का निर्माण करती है, तो हम देखने में मज़ा आता है। यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं वो बाहर से नारियल लेकर आते हैं और नारियल फोड़ने की एक और जगह है जो ये रही है, यहीं पर नारियल को फोड़ते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। मैंने मेरे दादाजी को बोला कि यहाँ पर खड़े रहो, मैं आपके अच्छे से फ़ोटो निकालता हूँ, लेकिन लोगों की आवाज़ जबर ज़्यादा ही थी तो अच्छे तरीके से फ़ोटो नहीं आ पाई है, पर वीडियो तो आ गया है। मंदिर के यहाँ पर एंटर होते ही सीधे आप वहाँ पर दर्शन करने जा सकते हो, पर हम लोग दर्शन करने के बाद मैं यहीं पर वीडियो बनाने के लिए वापस मंदिर के पीछे के साइड आ गया, तो यहीं से भी बेस्ट सीन आ रहा है। इस मंदिर के ऊपर की टोच पर देखे तो बहुत ही अच्छी खासी कलाकृति दिखाई गई है। ये मंदिर के पीछे की साइड है, तो फिर मैं और मेरी बहन यहाँ पर बैठे दर्शन करके वापस यहाँ पर आ गए। इस मंदिर की दीवारों पर छोटी छोटी मूर्तियाँ दिख रही है जो मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु नारियल लेकर आते और नारियल फोड़ने की एक और जगह है जो ये रही, यहीं से नारियल फोड़ते और प्रसादी को लेकर जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो फिर यहाँ पर आरती हो रही थी, तो हमने आरती में भी भाग लिया था। जब मैं मंदिर के अंदर था तो फिर मैंने वहाँ पर एक नोटिस पड़ी थी कि यहाँ पर फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं है, तो मैंने मंदिर के बाहर से ही वीडियो बनाए, मंदिर के अंदर की कोई भी पिक्चर नहीं लिए, तो कोई दिक्कत ना हो बाद में। इस मंदिर में से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। हम लोग यहीं से जा रहे हैं गणपतपुरा, जो यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं एक और मंदिर देखने के लिए, गणपति जी के दर्शन करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी एक्सेस को वहां से निकालना पड़ेगा। इस बंदे ने देखो ना कहाँ पार्क किए यार। हम लोग निकल चुके हैं गणपतपुरा जाने के लिए। जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमको यहाँ पर एक अंडरब्रिज देखने को मिला। अभी इसको क्रॉस करके सामने की ओर हमको जाना है। हम लोग बात करते करते यहाँ पर पहुँच भी गए, पता भी नहीं चला। अभी हम लोग गणपतपुरा मंदिर के अंदर जा रहे हैं और ये रहा इसका मेन मार्केट। तो मैं और मेरे दादाजी हम लोग जा रहे हैं अंदर। दिवाली का टाइम था, इसलिए हमको यहाँ पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। वो रहा गणपतपुरा मंदिर का मेन गेट। हम लोग यहाँ से मंदिर के अंदर जाने वाले और मैं अंदर जाकर आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें मतलब कि जहाँ पर मुझे परमिशन मिलेगी मैं वहीं पर जाऊँगा, अगर मुझे परमिशन नहीं मिली तो मैं वहाँ का एक भी फ़ोटो भी नहीं लूँगा और वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। इस टाइम पर हम तीनों लोग अंदर खाना खाने के लिए जा रहे, मैं, मेरे दादाजी और मेरे पापा। दर्शन करने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु यहीं पर लाइन में खड़े होते, फिर अंदर जाते। दर्शन करने के बाद लेफ्ट साइड पर खाना भी दिया जाता है, तो प्रसादी के तौर पर लोग खाना खाने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। ये रही मंदिर की फ्रंट साइड, जहाँ से लोगों की एंट्री होते हैं और दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। ये रही मंदिर की लेफ्ट साइड, जहाँ पर लोग दर्शन करने के बाद दोनों साइड से बाहर निकलते हैं। गणपतपुरा मंदिर के दर्शन पर आने के बाद हमने यहाँ पर दर्शन भी कर लिए और प्रसाद भी ले ली और फिर यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे। बाद में हम लोग घर जाने वाले। मंदिर के चारों ओर भी हमको कई सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पर अच्छे से आराम कर सके और बैठ सके। भक्तों के लिए यहाँ पर रहने खाने की सुविधा भी मिल जाएगी, जो बहुत दूर से आते होंगे उनके लिए। हम लोग यहीं से बाहर निकले और घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। ये रहा गणपतपुरा मंदिर का मेन मार्केट। लोग यहीं से प्रसादी लेकर अंदर जाते हैं। आई होप कि आपको गणपतपुरा मंदिर के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। मैंने सोचा कि अभी घर ही जा रहे हैं तो फिर क्यों ना आइसक्रीम चाय नाश्ता हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं। हम लोग घर जाने के लिए बाहर आ चुके हैं और ये रही हमारे एक्सेस की पार्किंग। फाइनली हम लोग घर जाने के लिए निकल चुके हैं।